Hello students, welcome back. In this video we are going to study the part 3 of unit 5 digital presentation, and the topics for this video are workspace views and inserting tables. First of all, we have workspace views. Workspace means the area in a presentation where we create a slide. तो हमारे पास workspace की normally 5 views रहती हैं. Normal view, outline view, notes view, slide sorter view and slideshow view. One by one we will understand how they look. यहाँ पे आप workspace tabs में देख रहे हैं सारी views हैं हमारे पास. Slideshow जो होती है वो हम slideshow menu में से जाके यहाँ से पूरी slide को अपनी full screen के ऊपर देख सकते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं normal view की. The here which you see the area, this is known as the normal view, in which जो हमारी main slide होती है वो हमें अपनी screen के ऊपर दिखाई देती है, और बाकी जितनी भी स्लाइड्स होती हैं वो थंबनेल की फॉर्म में वी कैन सी एट द लेफ्ट साइड. सो हियर यू कैन सी दिस इज स्लाइड वन, स्लाइड टू. अगर आपको न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है तो आप एंटर प्रेस कर सकते हैं, एंड यू कैन चेंज द लेआउट ऑफ द स्लाइड ऑल्सो. सो बाय डिफॉल्ट द व्यू इज़ अ नॉर्मल व्यू. इसके बाद होती है हमारी आउटलाइन व्यू. जो भी आप अपना कंटेंट लिखेंगे स्लाइड के अंदर, दैट विल बी विजिबल टू यू इन द आउटलाइन व्यू. लाइक हेयर आई हैव रिटन माई प्रेजेंटेशन. जो भी आप इसके अंदर लिखते हैं ओनली दैट थिंग इज़ विजिबल. आप इसके अंदर जो भी पिक्चर्स डालते हैं या कोई और टैम्पलेट वगैरह लेते हैं, दैट थिंग इज़ नॉट विजिबल. अगर आप तीनों स्लाइड्स को आउटलाइन व्यू में देखते हैं तो आप देख रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड स्लाइड आर एम्प्टी, दैट इज़ वाई कुछ शो नहीं हो रहा. और सेकेंड स्लाइड में हमने टाइटल लिखा था माई प्रेजेंटेशन, ओनली दैट थिंग इज़ शोन टू यू, दैट इज़ नोन एज द आउटलाइन व्यू. इसके बाद बात आती है हमारी नोट्स व्यू की. नोट्स व्यू में आप किसी भी स्लाइड के लिए नोट्स ऐड कर सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं और उसके अंदर आप कुछ हिंट्स को देखना चाहते हैं ताकि वो आप अपने ऑडियंस को बता पाएँ, एंड जो भी आप ये नोट्स लिखते हैं वो आपकी ऑडियंस को विजिबल नहीं होते, वो सिर्फ आपको विजिबल होते हैं, सो दैट इट कैन हेल्प यू वेल शोइंग अ प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस. ओके, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, जो भी आप स्लाइड लेते हैं उसके नीचे एक आपके पास बॉक्स आएगा क्लिक टू ऐड नोट्स, जिसमें आप नोट्स ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द स्लाइड सॉर्टर व्यू. स्लाइड सॉर्टर व्यू हमारे प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स होती हैं उसे हमें थंबनेल की फॉर्म में दिखाता है. द मेन एडवांटेज ऑफ दिस व्यू इज़ दैट आप किसी भी स्लाइड को मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे. जैसे कि माय प्रेजेंटेशन, जहां हमने टाइटल दिया था, ये हमारी सेकेंड स्लाइड थी, हमने इसे ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया थर्ड पोजिशन पर. इसी तरह से हम इसे अगर फर्स्ट पोजिशन पर लेके जाना चाहते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी डन. एंड यू कैन सी हेयर द स्लाइड्स आर इन द थंबनेल फॉर्म, एंड इट इज़ हेल्पफुल इन रीअरेंजिंग द स्लाइड्स ऑल्सो. इसके बाद आता है हमारा स्लाइड शो व्यू. वो हम मेन्यू बार से जाते हैं. इसमें आपके दो ऑप्शन होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड और स्टार्ट फ्रॉम द करेंट स्लाइड. अगर आप फर्स्ट स्लाइड से वन बाई वन सारी स्लाइड्स को रन करके देखना चाहते हैं, सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, एंड यू कैन प्रेस द एंटर की टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. और इफ़ यू वॉन्ट टू गो फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्लाइड, जैसे कि मान लीजिए आपकी सेकेंड स्लाइड सेलेक्टेड है, आप यहाँ से देखना चाहते हैं, आप फर्स्ट को नहीं देखना चाहते, तो आप करेंगे स्टार्ट फ्रॉम द सेलेक्ट करेंट स्लाइड. फ्रॉम हियर सेकेंड स्लाइड इज सेलेक्टेड एंड स्लाइड शो, एंड फ्रॉम हियर स्टार्ट फ्रॉम द करेंट स्लाइड. सो यहाँ से पहले आपको सेकेंड दिखाएगा, देन इट विल शो यू थर्ड वन, देन इट विल बी एंड. ओके, सपोज माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन इज एट दिस प्लेस. ये हमने माय प्रेजेंटेशन जहाँ पे हमने टाइटल दिया था उसको हमने थर्ड पोजीशन पे रख दिया. अब हम सेकंड पोजीशन से इसे शो करके देखना चाहते हैं. गो टू स्लाइड शो मेन्यू, स्टार्ट फ्रॉम द करेंट स्लाइड, एंड हियर इट विल शो यू द सेकंड स्लाइड. हियर यू कैन सी द नंबर इज कमिंग, एंड देन इट विल शो यू द थर्ड स्लाइड. फॉर दिस यू हैव द शॉर्टकट की ऑल्सो. अगर आप बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शो करना चाहते हो तो F5 शॉर्टकट की आप प्रेस कर सकते हो. और अगर आप करंट स्लाइड यानी कि जो स्लाइड आपकी सिलेक्टेड है वहाँ से आप पूरी स्लाइड को देखना चाहते हो, सो यू कैन यूज़ द शॉर्टकट की Shift+F5. ओके, आफ्टर दिस वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंसर्टिंग द टेबल्स. नाउ यू वांट टू इंसर्ट द टेबल इन अ प्रेजेंटेशन, हाउ यू कैन डू दिस? वी हैव डिफरेंट मैथड्स फॉर दिस. मैथड वन है, सबसे पहले आप इंसर्ट मेन्यू पर जाएंगे, वहाँ से टेबल पर क्लिक कर देंगे. फिर उसके बाद इट विल गिव यू अ डायलॉग बॉक्स जिसमें आपको रोज और कॉलम्स बताने हैं, एंड क्लिक ऑन ओके, दैट टेबल विल बी इंसर्टेड. सेकेंड मेथड आपके पास है कि आप टेबल आइकन जो कि स्टैंडर्ड टूल बार पर रहता है उसे क्लिक करेंगे, और वहाँ पे जो ग्रिड होगी उसमें से नंबर ऑफ रोज को आप एंड कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे. इसी तरह से अगर आप टेबल के बॉर्डर्स और बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हो
तो टेबल जब आपकी बन जाती है उस पर आपको राइट क्लिक करना है एंड यू हैव टू चूज विच ऑप्शन टेबल प्रॉपर्टीज। एंड इन ऑर्डर टू डिलीट अ टेबल सबसे पहले आप टेबल को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर देंगे। योर टेबल विल बी डिलीटेड फ्रॉम द कीबोर्ड। राइट, लेट अस सी दिस थिंग्स प्रैक्टिकली। सबसे पहले हम टेबल को इंसर्ट करके देखते हैं। सो बाय डिफॉल्ट माय व्यू इज़ द नॉर्मल व्यू। हम वापस से इस व्यू में आ जाते हैं। आप टेबल को यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव टेकन दिस लेआउट इन विच दीज ऑप्शंस आर देयर। आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो इट विल आस्क यू फॉर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर टेबल का ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास ये ड्रॉप डाउन एरो है तो आपके पास ये ग्रिड आ जाती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 4x2, इट मीन्स 4 rows and 2 columns। इस तरह से आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं, 4 columns and 2 rows। इसके अलावा हमारे पास इंसर्ट मेन्यू में ऑप्शन होता है टेबल ऑप्शन। यहाँ से हम अपने टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करने हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। सपोज हमने यहाँ पे 4 rows ले ली और 3 columns ले लिए। क्लिक ऑन ओके, ये टेबल आपकी यहाँ पे इंसर्ट हो गई। अब ये जो टेबल है आपकी, इसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर जो भी कंटेंट है, आप इसे टॉप में अलाइन करना चाहते हैं, वर्टिकली सेंटर करना चाहते हैं या बॉटम में करना चाहते हैं, दैट यू कैन डू। सिमिलरली हेयर इज़ द कलर, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज इन द ग्रेडियंट फॉर्म और इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द कलर और बिट मैप, यू कैन चेंज लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज ओके, सो लेट अस ओपन इट वंस अगेन। ओके, सो हेयर इट इज आवर प्रेजेंटेशन। इन दिस वी हैव टू इंसर्ट द टेबल। जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो इसके अंदर जो हमारे बॉर्डर्स और बैकग्राउंड रहते हैं, दैट वी कैन ऑल्सो चेंज बाय राइट क्लिकिंग ऑन द टेबल। अब हम यहाँ से दोबारा से एक टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं विद द कॉलम्स एज 3 एंड द रोज एज 4। क्लिक ऑन ओके, सो दिस इज़ माई टेबल। फ्रॉम हेयर यू कैन चेंज द टेबल प्रॉपर्टीज, बॉर्डर का कलर जैसे है, अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं सो यू कैन चेंज फ्रॉम हेयर। आप देख रहे हैं ये छोटा छोटा यहाँ पे जो येल्लो कलर का बॉर्डर है, दैट इज़ गेटिंग चेंज्ड। ठीक है, अब हम इस टेबल पे राइट क्लिक करते हैं। अगर आपको कोई कंटेंट लिखना है तो जस्ट क्लिक इन द सेल एंड यहाँ पे आपका कर्सर आ जाएगा। सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया हेलो, हाउ आर यू। इफ़ यू वॉन्ट टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर, आपको सिंपली टैब की को प्रेस करना है और यू कैन यूज़ द राइट एरो की फॉर दिस पर्पस। ओके, होप यू आर फाइन। सो कॉन्टिन्यूएशन में आप इस तरह से लिख सकते हैं और अगर आपको नेक्स्ट सेल में जाना है, आइदर प्रेस द टैब की और प्रेस द राइट एरो की। एंड अगर आप एंटर की प्रेस करते हैं तो उसी सेल में आप नीचे लिख सकते हैं। इन ऑर्डर टू सेलेक्ट वन सेल, अपने माउस पॉइंटर को वहाँ रखिए एंड क्लिक देयर। इस तरह से आप अपने कंटेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और सेल को सिलेक्ट करने के लिए आप इस तरह से क्लिक कर देंगे। और अगर आपको पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है तो इस तरह से जब आपका 4-headed arrow आ जाएगा, उस फॉर्म में आप अपने टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें इसके बॉर्डर को चेंज करने के लिए इस पर राइट क्लिक करना है एंड वी हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन टेबल प्रॉपर्टीज। जैसे ही आप टेबल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, इट विल शो यू दिस डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे फॉन्ट है, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर स्टाइल को चेंज कर सकते हो, आप इसके साइज को चेंज कर सकते हो। आफ्टर दिस फॉन्ट के इफेक्ट्स हैं, फॉन्ट कलर है, कुछ भी है, आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आपको बॉर्डर्स को चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे हमें नॉर्मल लाइन बॉर्डर्स दिखा रहा है, हम चाहते हैं कि आउटर बॉर्डर और इनर लाइन हमें शो करें, तो यहाँ से हम क्लिक कर देंगे। अभी कलर हमने येलो किया था, हम इसके कलर में और चेंजेस कर सकते हैं, लाइक वी कैन डू इट एज लाइक दिस कलर। एंड अगर हम इसके बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम बैकग्राउंड के कलर में भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि इफ़ यू वॉन्ट टू टेक द ग्रीन कलर एज द बैकग्राउंड एंड क्लिक ऑन द ओके बटन, सो इट विल चेंज इन दैट इन दैट कलर। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमने फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया था इसलिए हमारे चेंजेस इस सेल के ऊपर हुए हैं। अगर आपको चेंजेस पूरे टेबल पे करने हैं तो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द फुल टेबल। अब यहाँ से हमने पूरे टेबल को सिलेक्ट किया दिस विद द हेल्प ऑफ दिस 4-headed arrow। अगेन वी विल गो टू द टेबल प्रॉपर्टीज एंड फ्रॉम हियर ये जो बैकग्राउंड ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने कलर को चेंज कर सकते हो। सपोज आई टेक द येल्लो कलर एंड क्लिक ऑन ओके,
तो यहाँ से आप देखो सारे के सारे जो कलर्स हैं दैट आर गेटिंग चेंज्ड। इसी तरह से अब हमारा जो टेबल है दोबारा से पूरा सिलेक्टेड है। हम यहाँ से गए टेबल प्रॉपर्टीज़ पे और फिर यहाँ से हम इसके बॉर्डर्स में जाते हैं और बॉर्डर्स में जाके यहाँ से हम फुल बॉर्डर की फॉर्म में ले लेते हैं, क्लिक ऑन ओके। ओके तो यहाँ आपके बॉर्डर्स जो हैं वो येलो कलर के थे इसलिए आपको ये पूरा येलो दिखा रहा है। लेट अस चेंज द कलर ऑफ द बॉर्डर ऑल्सो। टेबल प्रॉपर्टीज एंड ये बॉर्डर है, यहाँ से इस कलर को हम चेंज कर लेते हैं। लेट अस टेक इट एज रेड एंड क्लिक ऑन ओके। नाउ हेयर यू कैन सी येलो कलर तो पूरा बैकग्राउंड में हो गया और जो लाइंस हैं बॉर्डर्स जो आए हैं हमारे आउटसाइड द टेबल भी हैं और अंदर जितनी भी लाइंस हैं दैट इज़ रोज एंड कॉलम्स हैं उन पे भी हैं, दैट इज़ ऑफ रेड कलर। सो दिस वे यू कैन मेक चेंजेस ऑन द टेबल। सिमिलरली अगर आप किसी रो या कॉलम को डिलीट करना चाहते हो सो राइट क्लिक करिए, क्लिक ऑन द डिलीट ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द डिलीट रो। अब यहाँ पे हमारा पूरा टेबल सिलेक्टेड था इसलिए आपने डिलीट रो किया तो हमारा पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो गया। तो यहाँ से आपको इस पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करना है जिसको आपने डिलीट करना है, राइट क्लिक करिए, क्लिक ऑन द डिलीट ऑप्शन एंड फ्रॉम हियर सेलेक्ट डिलीट रो। अब वो रो में डिलीट हो गई। इस तरह से आपको अगर कॉलम को डिलीट करना है तो आपको उस कॉलम को पहले सेलेक्ट करना है माउस से। इस तरह से आपको अपने कॉलम को, ये आपका कॉलम है, लाइक दिस यू विल सेलेक्ट इट एंड राइट क्लिक करिए और यहाँ से कर दीजिए डिलीट एंड क्लिक ऑन डिलीट कॉलम। कॉलम डिलीट हो गया। इसी तरह से अगर आपको अपने पूरे टेबल को डिलीट करना है तो पूरे टेबल को सेलेक्ट करके और आप यहां से अपने कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर देंगे, पहले आपका कंटेंट डिलीट हो जाएगा और फिर आपका जो टेबल है दैट इज़ सेलेक्टेड एंड जो आपका टेबल है दैट विल बी डिलीटेड फ्रॉम देयर। ओके जस्ट प्रेस द डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड। देर आर सम अदर टेबल ऑप्शंस जो आप यहां से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये आपका टेबल आइकन है दोबारा से, इसमें आपके बॉर्डर के स्टाइल्स हैं, आप यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो लाइक दिस। आप यहाँ पे देखो बॉर्डर का स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका टेबल जब भी सिलेक्टेड होगा तभी नीचे के फीचर्स आएंगे, जैसे ही आप डीसेलेक्ट करोगे नीचे के फीचर्स यहाँ से हट जाती हैं। सो इन ऑर्डर टू मेक एनी चेंजेस ऑन द टेबल यू कैन आइदर राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन द टेबल प्रॉपर्टीज ऑप्शन और यू कैन मेक द चेंजेस फ्रॉम हियर। ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टेबल प्रॉपर्टीज एंड हाउ वी कैन इंसर्ट द टेबल। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट इंसर्टिंग द इमेजेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। इन केस एनी डाउट इज देयर इन दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।